बच्चों ध्यान से देखें, ये 3D का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के लिए रह सकता है, आप ध्यान से देखना। क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो बोला कि एक लाइन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बोले तो क्या हो गया, एक्स वाई जेड। एक्स के साथ लाइन एंड वाई के साथ लाइन और जेड के साथ लाइन इक्वल एंगल बना रहा है, तो उसका डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, तो एक छोटा सा डायग्राम बनाना है। ओके, मोस्टली बच्चे नहीं बनाते हैं डायग्राम बोर्ड में, बट आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप दिखा दो, ये रहा एक्स वाई जेड, ये 3D डायग्राम रहेगा, और ये रहा मेरा यहां पर लाइन एक्स के साथ बना रहा है एंगल बनाता है, उसे अल्फा बोलते हैं। वाई के साथ बनाता है, उसे बीटा बोलते हैं। ठीक है, और जेड के साथ जो बनाएगा उसे हम गामा बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में गिवन डाटा है, क्या गिवन है, इक्वल एंगल बना है। इक्वल एंगल, इक्वल एंगल बोले तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, इसे मैं थीटा कंसिडर कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये था कि इक्वल एंगल अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल है। ठीक है, आपने देखा होगा बेटा एक फॉर्मूला होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू वन। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो एल के एल इक्वल टू क्या होता है, एल इक्वल टू होता है कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा और एन इक्वल टू कॉस गामा। ठीक है, एल एम एन ये डायरेक्शन कोसाइन है। ओके, तो यहां पर वैल्यू पुट करो तो आपको देखने को मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू वन। अब क्वेश्चन ने कमांड दिया था कि इक्वल एंगल बना रहा है, तो जहां अल्फा बीटा गामा है तो उसके जगह पर मैंने थीटा कंसिडर कर लिया, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तो कंडीशन क्या बना, तो यहां से ये 3 cos² θ = 1, तो मैं बोल सकता हूँ, क्या बोलेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3, देन यहाँ से बोल सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1/3 रूट के साथ, तो रूट से बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस 1/√3। क्वेश्चन ने क्या पूछा था बेटा कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कि अल्फा यानी अल्फा अल्फा की जगह पर क्या है बेटा, अल्फा एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, तो एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा और एन इक्वल टू कॉस गामा। ओके, तीनों का वैल्यू सेम है, जो कॉस थीटा का वैल्यू होगा, बट आप एग्जाम में ठीक है ना सेपरेट लिखना, अदरवाइज मार्क्स टीचर कट कर देगा बेटा। आप नहीं तो ध्यान से एक साथ मत लिखिए, अलग अलग लिखना। ये डायरेक्शन कोसाइन आ चुका है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कर कर जाना।